हमारे साथ यहाँ पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत है। सर, यहाँ पर आप वोट करने के लिए आए हैं, सुबह सुबह आपकी शुरुआत अच्छी हुई, पीएम मोदी ने फोन किया, बाद में आप अपने कुलदेवत से यहाँ पर प्रेयर करने आए थे, तो क्या कहेंगे पूरा? मैं सबसे पहले तो मैं कोठम्बी गांव में मेरे ग्राम देवत का दर्शन लेने के लिए मैं आया था, देव चंद्रेश्वर का दर्शन लेके अभी मैं मेरे वोट कास्ट करने के लिए जाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सुबह फोन आना, उससे ऊर्जा और बढ़ जाती है, उत्साह और बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली दिन भर में जो सभी कार्यकर्ता के लिए और सभी नेता के लिए हमारे वो उत्साह के साथ सभी मतदान करेंगे और 100% हमें 22 में 22 सीट मिलने के लिए मेरी पूरी कोशिश जारी है। तो ये चुनाव में अगर हम देखें तो काफी टफ है, क्योंकि काफी नई पार्टियां भी आई है, तो चुनौती लग रही है आपको? डेफिनेटली हर चुनाव तो टफ रहता है, तो चुनौती तो हमेशा के लिए रहती है, लेकिन इस बार जिस तरह से मैंने मेरे पार्टी के संगठन ने मेहनत की है और जिस तरह का काम गोवा में हुआ है, हमें डेफिनेटली लोग फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेंगे। कितनी सीटें आएंगी आपको क्या लग रहा है? मैं आज भी कह रहा हूं कि 22 प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगले सीएम का चेहरा जो है वो फिर प्रमोद सावंत ही रहेंगे, ऐसा फिलहाल कहा जा रहा है, कितनी इसमें सत्यता है? डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है, माननीय मोदी जी हो, अमित भाई हो, जेपी नड्डा जी हो, तो मुझे फिर से एक बार लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। इसके पहले चार चुनाव आपने लड़े, जिसमें से एक आपको मतलब पराभव स्वीकारना पड़ा, तो दो चुनाव में आपकी जीत हुई, ये चुनाव में क्या लग रहा है फिलहाल? इस चुनाव बड़ी मात्रा में बड़े वोटों से मैं जीतूंगा, ये मैं कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूं, क्योंकि सभी लोग मेरे साथ में है और जहां जाके इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ काम हमने कम्प्लीट किया है, तो डेफिनेटली इस बार का चुनाव डबल मार्जिन से हम जीतेंगे। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि आज मतदाताओं का दिन है, तो काफी बड़े पैमाने पर मतदान होना आवश्यक है सरकार आने के लिए। मैं सभी मतदाताओं को कहूंगा कि मैंने ज्यादा परसेंटेज से वोटिंग करें और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए बाहर निकले और स्वयंपूर्ण गोवा के लिए, डबल इंजन सरकार के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दे। लास्ट 50 साल में नहीं हुआ था, वो इस गोवा के 68th ईयर ऑफ लिबरेशन में हुआ, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दे। तो जैसे कि देख रहे हैं हम कि यहाँ पर डॉक्टर प्रमोद सावंत जो है वो वोटिंग के लिए फिलहाल निकले हैं, और इससे पहले इन्होंने जो है वो अपने भगवान के दर्शन किए, सुबह सुबह नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी का भी उनको फोन आया था, जहां उनसे बातचीत भी हो गई, तो काफी एक चुनौतीपूर्ण उनका ये जो है वो चुनाव फिलहाल दिखाई दे रहा है, और इस चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, ऐसा कॉन्फिडेंस फिलहाल जो है वो प्रमोद सावंत इन्होंने बताया है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ वैदेही काणेकर, जी मीडिया गोवा। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे 24